क्या करें, उधर हम लोग नहीं जाना चाहते। बीजेपी को लोग कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं। बीजेपी जब हमारे साथ थे, आपको मालूम होगा, तो मैं बहुत अच्छा लगता था, मेरा काम को अच्छा लगता था। आज चूँकि उनका स्थिति सही नहीं थी, उनके बोलने क्या जो काम करना चाहिए ना, वो काम करे, कोई मना नहीं कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोगों को हम लोग सम्मान करते हैं। नहीं सुनना चाहिए, भाई बता ही दिया, मेरा वहाँ गठबंधन परिवार है, हम सब लोग एकमुश्त होकर देश के फायदे की बात करते हैं, देश के लिए चल रहे हैं, देश के मुस्लिम नहीं होते तो महागठबंधन के लोग तुष्टिकरण की राजनीति नहीं कर पाते। वो तो ऐसे ही बोलते ही लोग हैं, बोलना है क्या, बोले क्या, यही सब बोलकर सुर्खियों में आना चाहते हैं कि काम सब को लेना देना तो नहीं है। कभी किसी को जात को टारगेट करेंगे, किसी धर्म को टारगेट करेंगे, किसी को टारगेट करेंगे, इसी को राजनीति अपना खड़ा किए, राजनीति करना चाहते हैं। इस बार देश के लोग जवाब देगा, देश के लोग समझ चुका है कि उनसे विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। जो उन्हें वादा किया था, वादा के मुताबिक कभी भी कोई ज़मीन पर उन्हें काम नहीं उतारा है। उनके पास हिंदू और मुसलमान मंदिर मस्जिद सा ही रहकर डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, उनका बहुत जवाब नहीं देना चाहता। समय आने पर 24 घंटे इंतजार करें, जवाब मिल जाएगा उनको। हिंदुस्तान के रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर समाज धर्म जात के रहने वाले हैं, ये देश संविधान से चलता है, संविधान के मुताबिक चलता रहेगा। लेकिन वो लोग इसी तरह पर देश के लिए खतरा है। दूसरे गांधी आपके नेता को आपके पार्टी के लोग ही बता रहे हैं, तो इसमें बीजेपी के लोग कह रहे हैं रामलीला में राम का रोल करने वाले राम नहीं हो जाते हैं। बीजेपी के लोग क्या करें, उधर हम लोग नहीं जाना चाहते। बीजेपी को लोग कभी अच्छा कहेंगे ही नहीं। बीजेपी जब हमारे साथ थे, आपको मालूम होगा, तो मैं बहुत अच्छा लगता था, मेरा काम को अच्छा लगता था। आज चूँकि उनका स्थिति सही नहीं थी, उन देश के साथ उनके धोखा दे रहे थे, देश सबको नुकसान कर रहे थे, तो हम लोग अलग हटे। आज अलग हटे हैं, काम कर रहे हैं, तो काम न करें इसके लिए हमेशा नंगी मारते रहते हैं। बातचीत जो भी करते हो, कभी नहीं लगता कि जनता के सेवा की बात करते हो या देश के फायदा के लिए बात करते हो, हमेशा व्यक्ति अपने फायदा के लिए बात करते हैं। और ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनकी बात हम लोग न सुनना चाहते हैं, न नोटिस देना चाहते हैं। इंतजार है 24 का, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी पार्टी गठबंधन मेहनत कर रहा है, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर बिहार की जमानत जब्त हो जाएगी, लोग बखराया हुआ है। बीजेपी के लोग जो है, नवरात्रा का त्यौहार चल रहा है, इसमें फलहार पार्टी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टार पार्टी तो आप लोगों ने किया, फलहार पार्टी का आयोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो दर्शाता है। अरे भाई, इस तरह से आप वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं पूछने नहीं जा रहा हूँ ना। ये सब चीज़ें बोलने क्या जो काम करना चाहिए ना, वो काम करे, कोई मना नहीं कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोगों को हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी सबका सम्मान करते हैं, हर जात धर्म का सम्मान करते हैं, जो देश में या प्रदेश में रहने वाले जो भी जीव जंतु सबका वो सम्मान करते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम बात नहीं करते हैं, जो जिसको अच्छा लगता है वो काम करे। हम लोग कभी उनका आलोचना नहीं करना चाहते, न हम ये चाहते हैं उनकी बात को हम जवाब दें। चूँकि मैं जानता हूँ कि देश को नुकसान करने वाले लोग हैं, देश को जो सौहार्द है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हम लोग उसे आ पाना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बिहार में मुस्लिम समुदाय के भी डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्या करे क्या नहीं करे, वो हम उनकी बात नहीं सुनना चाहिए, भाई बता ही दिया, मेरा वहाँ गठबंधन परिवार है, हम सब लोग एकमुश्त होकर देश के फायदे की बात करते हैं, देश के लिए चल रहे हैं, देश के जो पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने देश को संवार कर हमको दिया है, एक अच्छा सा हिंदुस्तान जो खूबसूरती है उसको लेकर चलना चाहते हैं, और वो बीजेपी को बिगाड़ना चाहते हैं।